अपनी याद किसी को कैसे दिलाएं? आज हम जानेंगे कि कोई आपको कैसे याद करे, क्या करे कि हमारा साथी हमें 24 घंटे याद करे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको 24 घंटे याद रखे तो इस पोस्ट को आखिर तक देखें। आप किसी से दिल से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका जितना ख्याल रखता हूँ, मैं उससे बात करने के लिए जितना तड़पता हूँ, उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। यह आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपका साथी कोई भी हो सकता है, वो लड़का या लड़की उसी तरह याद रखे या याद करे जिस तरह मैं उसे याद करता या करती हूँ। वो भी मुझे याद रखे, मुझे मैसेज करे, वो भी मेरा ख्याल रखे, मुझे 24 घंटे याद रखे। तो आज हम आपको 3 चीज़ें बताने जा रहे हैं। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो वो शख्स आपको याद रखेगा, याद करेगा। पहली चीज़, थोड़ा फासला भी रखे ताकि दिल ना भरे। उसे याद कराने के लिए आपको उसे याद करने का मौका देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बोलते रहेंगे और उसे अपना दीवाना बना देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। याद रखने के लिए आपको उसे याद कराना पड़ता है और आप उसे तभी याद करा पाएंगे जब आप उसके साथ नहीं होंगे। इसलिए आपकी दोस्ती में या मोहब्बत में फासला रखना सीखें। उसे वक्त तो दें लेकिन थोड़ा वक्फा भी कर लें। अगर आपको वो टेक्स्ट करे तो फौरन जवाब ना दें या उस दिन जवाब ही ना दें और कोई बहाना बना लें। जब आप उसे फौरन जवाब नहीं देंगे या वक्फा करेंगे तो उसे अचानक याद आएगा कि आज उसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आया। अब वो आपको ज़रूर कॉल करेगा, मैसेज करेगा, लेकिन आपने फौरन जवाब नहीं देना है। अब वो आपकी कमी कब महसूस करता है या आप दोनों के ताल्लुकात के ऊपर है। आप कितने ही करीब क्यों ना हो, उसे याद करने का मौका दें। अगर आप उसे याद करने का मौका देंगे तो वो याद रखेगा, लेकिन अगर आप दोनों का रिश्ता ठीक चल रहा है फिर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, हिम्मत करें। ये जाहिर करने की कोशिश करें कि आप में हिम्मत है। देखें, कोई भी शख्स आपके साथ सिर्फ उसी वक्त रहना चाहेगा जब उसे लगेगा कि उसमें हिम्मत है। कोई भी शख्स आपको तभी समझेगा जब उसे आपसे बात करने में मज़ा आएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक लड़का था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों से क्या बात करें। वो एक छोटा सा साईं था और उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो कैसे और क्या बात करें कि लोग उससे बात करने को तड़प उठें। वो लोगों से बात करना चाहता था लेकिन लोग उससे कतराते थे क्योंकि वो बहुत शर्मीला और बहुत बोर था और ग्रुप में भी खामोशी से बैठा रहता था। हर कोई उसे तंग करता था और उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। वो चाहता था कि लोग उससे बात करने आएं। वो चाहता था कि लोग उसके साथ बेतकल्लुफ़ी से पेश आएं। वो लड़की जिससे वो प्यार करता था, वो चाहता था कि वो लड़की उसे खास समझे। वो बहुत उदास रहता था। एक दिन किसी लड़की ने उससे कहा कि तुम जो कह रहे हो वो अहम नहीं है कि सब तुमसे बात करें। अहम बात यह है कि लोगों के सामने बोलना सीखें, कैसे बोलना है, क्या कहना है, कि लोग तुम्हारे पीछे चलें। तुम सब कुछ सीख लोगे अगर तुम हिम्मत कर लो। इस लड़के को ये बात समझ आ गई और अब उसने लोगों से बात करना शुरू कर दी। जब उसने लोगों से बात करना शुरू की, जो इतना आसान नहीं था, लेकिन वो कोशिश करता रहा और एक दिन वो लड़का बात करने में बहुत माहिर हो गया।
अब उसमें एतमाद आ गया और अब जो भी उससे बात करता वो बहुत अच्छे से उससे बात करता था और बहुत मुतासिर होता था। हर कोई उससे बात करने के लिए तड़पता था और फिर उसे वो गर्लफ्रेंड भी मिल गई जिसे वो चाहता था। आम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो चाहते हैं कि कोई आए और उनसे बात करे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को दिलचस्प बनाएं और बात करें ताकि वो भी आपसे बातें करें। तीसरी चीज़, तन्हाई में भी खुश रहना सीखें। यह हकीकत है कि दुनिया को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आप गमगीन हैं। जिसके लिए आप रो रहे हो उसे अच्छे से मालूम है कि आप उसके लिए रो रहे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उदास हैं, तो खुश रहना सीखें। जब आप बहुत खुश होंगे तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले खुश रहें, किसी से मिले नहीं, सबसे मिलें, बातें करें, लेकिन किसी एक पर इन्हेसार ना करें। इसीलिए हम कहते हैं सीखो, अकेले रहो, खुद मुख्तार रहो। अब अगर वो शख्स आपको बार बार रुलाता है तो इससे बेहतर है कि तुम्हारी अपनी दुनिया हो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो, अपने दोस्तों से मिलते रहो, इससे आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसे एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, फिर वो आपको याद करेगा, वो सोचेगा कि यार ये मेरा साथी था, चला जाएगा। लिहाजा आपको किसी न किसी तरह खुद को रोकना ही पड़ेगा ताकि वो आपको फॉलो करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, आपको कॉल करे और आपको मैसेज करे। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने से वो नंबर जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।